हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। यहाँ आप देख सकते हैं जो हमने गोलगप्पा बनाए वो कितना टेस्टी है और अच्छा है। तो चलिए इसका वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ एक बाउल में आटा लिया है और आधी बाउल से भी कम हमने यहाँ सूजी का यूज किया है। तो पहले एक परात में जिसमें हम आटा लगाएंगे उसमें गेहूँ के आटे को और सूजी को मिक्स कर लेंगे। यहाँ हमने सूजी को उस परात में कर लिया है। अभी हम इसमें गेहूं का आटा ऐड करेंगे। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, आटा और सूजी को। अब हम आपको बताएंगे इसमें हमें और क्या ऐड करना है जिससे हमारे गोलगप्पे फूले और क्रिस्पी बने। यहाँ हमने एक चुटकी खाने वाला सोडा लिया, जिसको हम मीठा सोडा भी कहते हैं। एक चुटकी लिया और एक चुटकी से थोड़ा सा ज़्यादा हमने बेकिंग पाउडर लिया है। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों चीज़ों को हमने लिया हुआ है, बट बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका डो तैयार करेंगे। हमें आटा को लगा लेना है, तो फटाफट हम पानी की हेल्प से आटे को लगा लेते हैं। थोड़ा थोड़ा करके पानी ही ऐड करेंगे हम इसमें, एकदम से पानी ऐड नहीं करेंगे। सूजी अब्जर्व करती है पानी को, तो थोड़ा हमें अच्छे तरीके से इसको लगाना है। यहाँ आप देख सकते हैं आटा लग के एकदम तैयार है, सॉफ्ट सा। अभी हमें इसको नीट करना है, तो यहाँ हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल यूज करेंगे, फिर इसको अच्छे से नीट करेंगे जब तक ये अच्छे से मिक्स नहीं हो जाती सूजी और आटे में। यहाँ आप देख सकते हैं, आप चाहें तो जो प्लेटफॉर्म होता है हम किचन का उससे भी कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी बर्तन में जैसे थाली हुआ परात हुआ उसमें भी कर सकते हो। यहाँ आप देखिए पहले से बेटर हो गया, इतना स्मूथ हो गया और अच्छा खासा तैयार हो गया है। अभी हम इसको छोटे पार्ट में कट कर लेंगे। यहाँ हमने कुछ इस तरीके से एक पार्ट लोई जैसा लिया है। अभी हम आपको दिखाते हैं, हम आपको दो तरीके से सूजी बनाना सूजी के गोलगप्पे या आटे के गोलगप्पे बनाना सिखाएंगे। यहाँ हमने छोटी छोटी पेड़े जैसी गोली काट लिया है, देख सकते हैं। अभी हम इस बेलन पे हमने हल्का सा चिकनाई लगा लिया है। अभी हम इसको आपको बेलना बताते हैं। सिर्फ हमको एक बार ऐसे करके बेलन चलाना है और एक बार इस तरीके से। बार बार बेलन चलाने से सूजी के गोलगप्पे अच्छे नहीं बनते, आटे के गोलगप्पे अच्छे नहीं बनते। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसी तरीके से हम और भी गोलगप्पे बना लेंगे। जितने ही बनते जाएंगे वहाँ हम कॉटन के कपड़े से ढकते जाएंगे। कॉटन कपड़ा गीला किया हुआ है, देख सकते हैं, वही हमने ढक दिया। अभी हम आपको दूसरा ट्रिक बताएंगे गोलगप्पे कैसे बनाएंगे। यहाँ हम एक बड़ी पूड़ी बना लेंगे, पतली, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए, आप देख सकते हैं। और यहाँ हम एक छोटे से कटर जिस साइज के आपको गोलगप्पे चाहिए वो लेंगे। यहाँ हमने एक छोटा सा ढक्कन लिया है। अभी इसकी हेल्प से हम इसको थोड़ा प्रेस करते हुए कट कर लेंगे गोलगप्पे, कुछ इस तरीके से आप देख रहे हैं। इसकी जगह आप कोई कटर का भी यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ स्टील का ढक्कन लिया है, साइज आप अपने हिसाब से बनाइए छोटे बड़े, यहाँ आप देख सकते हैं। और हम आपको दिखाना चाहेंगे कितना पतला कितना मोटा कैसा है, ये देखिए, देखिए ना मोटा ना पतला बढ़िया है। इसी तरह हम सारे गोलगप्पे बना लेते हैं। आप चाहें तो गोल ट्रिक अपनाइए या एरिया ट्रिक, आप चाहें तो इसके छोटे छोटे पेड़े बना के बेलन में तैयार कर सकते हैं, इसकी पूड़ी बना के। अभी हमने यहाँ रिफाइंड ऑयल लिया है, पैन में गर्म हो रहा है। अब हम आपको दिखाते हैं, यहाँ अभी अच्छे से ऑयल गर्म नहीं हुआ है। अगर हम इस तरीके में अगर ये अपना गोलगप्पा सेकेंगे तो देखिए किस तरीके से बनता है, ये बिल्कुल भी गोल फूलेगा नहीं, कितना भी हम इसको प्रेस कर लें। लोग कहते हैं कचरे से दबाने से फूल जाता है, ऐसा नहीं, जब तक तेल नहीं होगा ना तब तक गोलगप्पा अच्छा नहीं बनेगा। आप देखिए यहाँ पापड़ी बन गई है। तो अभी ये गोलगप्पा बनाने के लिए तेल गर्म नहीं है, तो हम थोड़ा और वेट करेंगे। अभी आप देखिए यहाँ तेल अच्छे से हीट हो गया है। अभी देखिए गोलगप्पा अच्छे से फूल गया है, आप लोग देख सकते हैं। हमने पलट दिया है, आप चाहें तो एक बार में अच्छे से सेक लीजिए, आप चाहें तो एक बार में फर्स्ट टाइम इसको हल्का सेकिए और सेकंड टाइम में दोबारा सेक लीजिए, जैसा आपको सही लगे। अगर आपको लगता है मेरे गोलगप्पे सॉफ्ट हो जाते हैं तो आप इसको एक बार में हल्का सेकिए, दूसरी बार में दोबारा सेकेंगे तो अच्छा बनेगा। अभी आप देख सकते हैं हमने सभी
कुछ पापड़ी जैसी निकली है केक की, कुछ नहीं फूले तो वो उसको हमने अलग कर लिया। यहाँ जो अच्छे अच्छे फूले फूले थे और जो फले थे बहुत अच्छे बने। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल रोजी ब्लॉग्स को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।